नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, कक्षा 10 के विज्ञान का यह पहला पार्ट है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। और 6 मई से आपकी जो बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आपके लिए जो ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे नए एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो, और वन लाइनर क्वेश्चन उनके बारे में। तो आपके पूरे 80 नंबर के पेपर में 20 नंबर के जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर के वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस प्रकार आपके 20 नंबर के प्रश्न आपको जो तैयार करने हैं। बाकी के ऑप्शन में आप प्रश्न में आपको ऑप्शन मिलेंगे, इन प्रश्नों के आपको विकल्प नहीं मिलेंगे। तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। आइए पहला पाठ पढ़ते हैं, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके साथ ही इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, नारू रोग का रोग जनक क्या है? जीवाणु, कृमि, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो नारू रोग का जो रोग जनक है वो कृमि होता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। दूसरा पार्ट है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? या इनमें से कोई नहीं। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 80 होता है। क ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू किस कुल का पादप है? मालवेसी, लिलियसी, सोलेनेसी और फेबसी। तो तंबाकू सोलेनेसी कुल का जो पादप है। सी ऑप्शन, ग ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मदिरा का मुख्य घटक क्या है? तो एथिल एल्कोहल जो होता है उसको मदिरा कहा जाता है। तो उसका मुख्य घटक क्या है? C2H5OH, CH3OH, CH3COOH, C6H12OH। तो जो C2H5OH इसको मदिरा और एल्कोहल कहा जाता है। इसके अलावा CH3COOH ये एसिटिक अम्ल जो सिरका होता है उसका अम्ल है, उसका सूत्र है। और C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। पांचवा प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से रतौंधी, रिकेट्स, बांझपन, गेंगा। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है, ये थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव डालता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट है, अति लघुदरात्मक वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? तो वसीय यकृत रोग का जो कारण है वो एल्कोहल मदिरा के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी, स्पाइग्नोमैनोमीटर। नारू रोग का रोगजनक, नारू रोग का रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ये कृमि होते हैं वो नारू रोग का रोगजनक होता है।